दोस्तों, इस गार्डन का जो सबसे फेमस है म्यूजियम, आप म्यूजियम में एंट्री जा रहे हैं करने के लिए, आप म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से म्यूजियम में जाकर के आपको दिखाएंगे उसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है। हमारे साथ आप बिल्कुल म्यूजियम में बने रहेंगे, आगे में ऐसी गाड़ी चालू रहेगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लांट है, यहाँ पर किस चीज़ का प्लांट है आपको ये भैया बता रहे हैं पूरा डिटेल्स में, पास में आके बात करो भैया, आप आइए आप बताइए इसके बारे में। ये फाइकस बोनसाई ट्री है जिसको बोनसाई किया गया है, और ये जैसे कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इससे ये फैमिली से ये बिलोंग करता है, और आप इसके रूट्स देख सकते हो इसको कैसे तरीके से बनाया गया है, किस तरह से देख सकते हैं ये पूरा जाली टाइप का लग रहा है, इसका जो रूट होता है पूरा जाली टाइप का। मैं लाइफ में पहली बार देखा इस वाला, देख लो ये सिर्फ विसापुर के बोटनिकल गार्डन, हमारे एंट्री गेट जो है फर्स्ट गेट जो है एंट्री गेट वहाँ पे भी लगाए गए हैं, ऐसे भी ट्री वहाँ पे है पूरे फाइकस। अच्छा, गेट के पास। हाँ चलिए, तो चलिए अभी हम जाएंगे अंडरग्राउंड म्यूजियम। नेचुरल स्टोरी म्यूजियम देख सकते हैं दोस्तों, म्यूजियम का गेट अभी वहाँ से एंट्री होने वाला है, वहाँ पर गेट है, अंदर जा रहा हूँ म्यूजियम में। टाइगर भी आपका सभी का स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हैं टाइगर किस तरह से स्वागत कर रहा है, थोड़ा सा हिलो बस गपा चलेगा, दांत खोले हुआ है। गुफरान अली को पहला प्रेफरेंस। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से रास्ता बना हुआ है, एंट्री गेट तो वहीं पर रहा समझो, और यहाँ से रास्ता बना हुआ है म्यूजियम में जाने के लिए किस तरह से, और अंदर में फर्स्ट सेक्शन में तीन चार सेक्शन में वहाँ पे डिवाइड किया गया है, और फर्स्ट सेक्शन में है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, हिस्ट्री है वहाँ पे, और सेकंड सेक्शन में बर्ड सेक्शन है, और थर्ड सेक्शन में जो है फॉसिल्स है, सीड्स है, कार्निवोरस प्लांट्स है, ऐसे भी यहाँ पे तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया, और अंदर में एक शो भी है। चलिए जा करके देखते हैं। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पर टाइगर के रियल जो स्किन चमड़े जो होते हैं ना वो रखा गया है, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि रियल स्किन भी यहाँ पे, तो हमारे साथ बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे, पूरा रियल स्किन दिखाऊंगा आपको टाइगर की। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लिए हैं म्यूजियम के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, देख सकते हैं ये टाइगर है और रियल स्किन यहाँ पर, पूरा रियल है चमड़ा, यहाँ पर रियल स्किन यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मोर है, यहाँ ये भी रियल है क्या, ये जो मोर है ये भी रियल है, सब रियल है, ये दोनों है, ये भी दोनों रियल है, म्यूजियम में जितने भी स्किन आपको देखने को मिलेगा ये पूरा रियल रहेगा। तो आगे चल के दिखाते हैं आपको क्या है। तो दोस्तों मैं अभी म्यूजियम के अंदर आ गया हूँ, यहाँ की खासियत यहाँ पर क्या चीज सब है पूरा डिटेल्स में आपको पूरी हिस्टोरी इसकी बताएंगे हमारे भैया ने, तो आप स्टार्ट कीजिए यहाँ से। जी, तो यहाँ पे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देवर, इनकी हिस्ट्री से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यहाँ पे उनका नाम भी लिखा गया है, यानी उनकी इंफॉर्मेशन भी है, और यहाँ पे मेन फोकस किया गया है छत्रपति की हिस्ट्री पे, जैसे कि गोंडकालीन हिस्ट्री है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रघुजी भोसले, और यहाँ पे रामशाह है, यहाँ पे रानी हीरा की समाधि है, और चंद्रपुर की हिस्ट्री में जब ये भी आ जाएगा कि महाकाली टेम्पल हमारे माता माँ का ये भी है, ये कारला लेने की है, पुणे की ये जबलपुर का फोर्ट है, और साथ साथ ये नीलकंठ शाह की समाधि, ये सब यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो राजा भीमसेन की समाधि भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है, और हमारे श्री महाकाली देवी इनका भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ये हमारे गोंड राजकालीन में इनको बनाया गया है, और किसने बनाया है, क्या बनाया गया है, इसके बारे में सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे अंकलेश्वर मंदिर, जैसे कि ये शिवलिंग अपूर्ण, ये दोस्तों ये पटा हमारा पटापुरा गेट है उसके पीछे, यानी लालपेट में ये है, तो ये शिवलिंग भी यहाँ पे लाया गया है, और हमारा मेन गेट
जो है चंद्रपुर जिले का जो किले से बनाया गया है ये है पठानपुरा गेट। पठानपुरा दरवाजा यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि दोस्तों पठानपुरा दरवाजा। अब बताइए आपको इसके बारे में। तो ये जो सबसे मेन गेट है जैसे कि जटपुरा गेट, अपना अंचलेश्वर गेट, पठानपुरा गेट, तो ये चार गेट जैसे गेट है भिंबा गेट, ये जैसे चार गेट में से ये सबसे मेन गेट कहा जाता है। और ऐसे कहा भी जाता है कि ऐसा बोला भी जाता है कि जब बल्लाल शाह जब राजा थे तो वो वहीं से हमारी वर्धा का जो रिवर है नदी है उसके पास से यहाँ पे ये मेन गेट वहाँ पे बनाया गया है क्योंकि वहाँ से उनके एंट्री हुई थी। तो पठानपुरा गेट को भी इंडिकेट कर दिया गया है इसमें देख सकते दोस्तों। और यहाँ पे राष्ट्रीय तारुबा उद्यान इसके बारे में बताया गया था। हाँ। और यहाँ पे सिटी के केंद्र की सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये दुर्गापुर में है। ये अभी आपको दुर्गापुर में चंद्रपुर में दुर्गापुर पास में बड़ी चंद्रपुर के दुर्गापुर में उसको भी यहाँ दर्ज किया गया है दोस्तों देख सकते हैं। और यहाँ पे जय मंदिर है भद्रावती का, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है जो 35 से 40 किलोमीटर दूर के लिए भद्रावती का जय मंदिर है। और यहाँ पे है गोंड राजा का सिंगौर, हमारे चंद्रपुर के गोंड राजा जो है उनका सिंगौर है ये। और यहाँ पे वास्तुशैली जो मारखंडा थी इसमें भी मंदिर के लगाई गई है। तो आइए अभी हम सेकंड सेक्शन में जाएंगे। ये फर्स्ट सेक्शन था, आप सेकंड सेक्शन में अब जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बर्ड्स थे यहाँ पर तो यहाँ पे जो भी बर्ड्स थे वहाँ वो एंड तक एंड वॉल तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स दिखाई देंगे जो भारतीय उपखंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं कुछ कुछ दुर्मिल भी हो गए जो आगे वाली पीढ़ी को नहीं दिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे लगाए गए क्योंकि बच्चों की स्टडी के लिए ये बर्ड्स उनको दिखना चाहिए आगे चल के। दोस्तों यहाँ पर आपको एक पक्षी दिखता होगा, इधर लापुरा में आपको ये पक्षी दिखता होगा सारस पक्षी। कुछ दिन पहले देखे होंगे कि यूपी में एक आरिफ नाम के लड़के ने उसको पोस पाल के रखे हुए थे, तो गवर्नमेंट को पता चला तो उनसे छीन लिया गया। तो दोस्तों यही वही सारस है जो एक आरिफ नाम के लड़के ने यूपी में दोस्ती बना करके रखे हुए थे। आपके स्क्रीन पे वीडियो चलता होगा दोस्तों कि देख सकते हैं किस तरह से ये सारस जो है, अगर आरिफ खाना खाते थे तो उसके साथ ही सारस खाना भी खाते थे, अगर कहीं जाते थे तो उसके साथ जाते थे, अगर बाइक पर जाते थे तो उसके साथ उड़ते थे। तो वही सारस है दोस्तों देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वही सारस है जिसके जो आरिफ के पास था यूपी में। और यहाँ की इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे कैप्स लगाए गए हैं। ये ऑफ है क्या? हाँ जो थोड़ा सा इसका सिग्नल ऑन नहीं है अभी, इससे इंफॉर्मेशन मिलता रहता है आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो यहाँ से हम बर्ड्स की वगैरह इंफॉर्मेशन निकाल सकते। और यहाँ पे है फॉसिल जो 25 कोटी साल पुराना है। यहाँ पे इधर देखा, ये जो है ये फॉसिल से और ये 25 कोटी साल पुराना है। गढ़चिरौली की जो सिरोही का तालुका है वहाँ पे वर्गम से इसको लाया गया हल्का पन्ने का। 25 करोड़ साल पुराना है। 25 करोड़ साल दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से बता रहे हैं कि 25 करोड़ साल पुराना ही रखा गया है। कहाँ से लाया गया है? ये सिरोही का, अपने गढ़चिरौली जिले से सिरोही का तालुका जो है उधर से कुत्ता पन्ने का हुआ है। 25 करोड़ सालों से पुराना है ये पत्थर है क्या? हाँ, अभी ये लकड़ा था पूरा लकड़ी जमीन के अंदर दफन होने के बाद इसको पेट्रीफाइड होके मिल गया ये और एक स्टोन में कन्वर्ट हो गया और पेट्रीफाइड होके मिला, इसलिए हम फॉसिल या फिर जीवाश्म भी इसको बोलते हैं। एक और दिखाओ इसको, फोटो दिखाओ बढ़िया से। स्किन रनिंग में ये हंटिंग कर रहा है यानी शिकार कर रहा है, तो इसके बारे में ये तो चीन बनाई गई। चीता नहीं है? नहीं, ये चीता नहीं, ये लेपर्ड है, बिप्टिया बोलते हैं हम इसको। बीबर ये हिरन है। चीता हमारे एरिया में नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलते, वो गुजरात इधर साइड में मिलता है। ये रियल खाल है इसका, जो चमड़ा है स्किन रियल है। चलो और एक, हाँ चलो दोस्तों इस म्यूजियम के अंदर एक शो चल रहा है जो अंदर म्यूजियम 3D मोशन में आपको दिखाया जाएगा। तो हम लोग
फिलहाल अभी 15 मिनट के बाद स्टार्ट होगा, तो कुछ और आपको दिखा रहा हूँ, 15 मिनट वेट करूँगा फिर आपको दिखाऊंगा, फिर आप दिखाते हैं। चलिए हमारे YouTube चैनल तो कुछ बढ़िया YouTube चैनल को ये भी स्किन ओरिजिनल स्किन है ना। हाँ, सब ओरिजिनल स्किन है। देखो दोस्तों, देखिए किस तरह से शिकार करेगा उसका हिरन का, हिरन का शिकार किस तरह से किया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं हिरन का शिकार करते किस तरह से ताक रहा है, हम लोग को भी शिकार करेगा, हमारे लोग का करेगा शिकार। ऐसा स्ट्रक्चर इसमें बना करके दिखाया गया है, इधर देखो मैडम, आप बोलिए आप कुछ इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस शो के बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ दोस्तों देख सकते हैं म्यूजियम में एक मैडम जुड़ चुकी है जो इन यहाँ ड्यूटी करते हैं। तो मैडम आपका नाम क्या है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस म्यूजियम की खासियत बताइए, इस म्यूजियम में क्या क्या है जो और जगह नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम करुणा कड़े है जी। मैं म्यूजियम को ऑल ओवर यहाँ का वर्क देखती हूँ जी। फर्स्ट तो हमने इसको चंद्रपुर को हाईलाइट किया है चंद्रपुर के हिस्ट्री से, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हमने बर्ड्स को रिव्यू किया जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो पंछी मिलते हैं जो बर्ड्स है उसको हमने हाईलाइट किया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फॉरेस्ट था उसको कट करने के बाद जो वुड रखा है उसके सैंपल्स भी हमने उसको वेस्ट न करके उसको एज ए स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए उसको यहाँ प्रिजर्व करके रखा है। नेक्स्ट यहाँ जो शो है वो है 360 डिग्री का शो है जो ऑल ओवर व्यू में आपको दिखाई देगा। उसके बाद अनादर डोम में हमारा फॉसिल्स टैक्सीडर्मी प्रोसेस का पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। स्किन जो लाइव एनिमल जो नेचुरली डेथ हो रहे हैं वो एनिमल का स्किन एक प्रोसेस रहती है टैक्सीडर्मी, उसे सेपरेट करके उसको प्रिजर्व करके हमने एक एक शेप में रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैडम हमको दिखाइए पूरा वीडियो, मैं अभी इसको लूँगा, कैप्चर करूँगा, यूट्यूब पे डालूँगा। हाँ लिए थे, एक बार ले लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैडम हमको किस तरह से अंदर ले आए पूरा दिखाने के लिए, पूरा डिटेल्स में भी मैडम बताएंगे। ये हमारे टाइगर का ओरिजिनल स्किन है, ओरिजिनल स्किन है, ओरिजिनल स्किन है जो रिस्टोर किया गया है और इसको टैक्सीडर्मी प्रोसेस से इसको सेपरेट करके इसको हमने एग्जीबिशन के लिए रखा है और इसका पूरा रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है और ये नेचुरली डेड एनिमल है, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया गया है दोस्तों, ये पूरा ओरिजिनल है। नेक्स्ट ये प्रोसेस कैसे करते हैं, ये सब यहाँ पे टैक्सीडर्मी के टाइप्स कितने हैं वो सब यहाँ पे डिनोट किया है कि टैक्सीडर्मी प्रोसेस से बड़े एनिमल्स को और उससे छोटे से छोटे एनिमल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, तो किस पद्धति से किया जाता है वो यहाँ पे हमने दर्शाया है। जैसे कुछ साल पहले इजिप्ट में मवीज जो प्रिजर्व करके रखते थे ह्यूमन डेड बॉडीज, वो एक प्रोसेस थी कि स्पाइसिस वगैरह भरा जाता था, ये दूसरी प्रोसेस है जहाँ प्रिजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्किनिंग कर रहे हैं, स्किनिंग के बाद डुप्लीकेट क्ले बॉडी कर रहे हैं, फिर माउंटिंग कैसे करते हैं स्किन को, फिर उसके बाद बेस मेकिंग कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसीजर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिनोट किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। चलो फिर यहाँ पर देखो, इम्पोर्टेंट ये है जिसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये सारी ओरिजिनल स्किन है। चलो इधर पूरा डिटेल यहाँ पे दिखने में आ रहा है और साथ में इसका ओरिजिनल स्किन। नेक्स्ट है लेपर्ड, इधर दिखाओ, इधर चलो, ये गोल्डन जैकेट है, इसकी उम्र कितनी रहती है 8 से 9 साल, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और जैसे कि मैंने बताया टैक्सीडर्मी प्रोसेस से क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्वेटिक सारे एनिमल्स हमने प्रिजर्व किया गया, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स है, फिश है, रोहू, कतला और ये क्रैब, ये क्रैब, ये प्रॉन, ये सब प्रिजर्व किया। एक बटरफ्लाई से होते हुए हमने एक मॉस्किटो तक प्रिजर्व किया हुआ, ये एंट, ये स्पाइडर,
ये सारे हमें यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। ये सारी प्रोसीजर हमने टैक्सी ड्राइवर से किया है। ये सब रियल है, सब रियल है। और ये भी बर्ड, ये देखो, ये न्यूली कंसेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। ये सारे बर्ड स्क्रीनिंग करके यहाँ माउंट करके लगाया गया है। ये भी टैक्सी ड्राइवर प्रोसेस से हुआ है। बर्ड और जैसे उल्लू बोलते हैं जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैडम आपको नेक्स्ट, चलो मैडम आज पूरा मैं वीडियो में घुमा दिया। हमारे साथ बिल्कुल वीडियो में आप बने रहेंगे। खेत में पांच, जब आज का इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे आज में हमारे क्या क्या मिला है वो सब यहाँ पे प्रोसेस के रूप में रखा गया है। जैसे कि मिला है यहाँ पे शंख, शंख जीवाश्म जो है स्ट्रोमेलाइट, अमोनाइट, ये सारे फॉसिल्स यहाँ मिले हैं। ये शंख है, दैट मीन्स हमारे क्या बोलते हैं इसको, मोलस्का शेल, ये डायनासोर्स के डायनासोर्स के बोन्स हैं। ये अमोनाइट के फॉसिल्स हैं। ये सारे फॉसिल्स फॉर्म में हमको चंद्रपुर जिले से मिले हैं और इन सबको डोनेट किया गया है और वो सब हमने यहाँ पे अपने म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा है। ये सारे वुड के प्लांट के फॉसिल्स हैं, ये भी प्लांट के फॉसिल्स है। और ये प्री हिस्टोरिक में मैन कैसे अपना भोजन प्राप्त करते थे, शिकार करते थे, वो सारे टूल्स हमने यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है। ये भी प्रिजर्वेशन है, जैसे हाथ कुल्हाड़ी रहता है, स्क्रैपर्स रहते थे, फिर ड्रैगल्स रहते थे, वो शिकार करने के लिए क्या यूज करते थे, ये सारे हमने यहाँ पे उनके औजारे संभाल के रखे हैं। ये भी वही है, यहाँ से रॉ का सेक्शन शुरू होता है। ये भी हमारे चंद्रपुर जिले के बहुत कम प्रमाण में मिलने वाले रॉक है जो हमने यहाँ पे हमारे म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा है। उसमें से ये है ग्रेनाइट जो ओरिजिनल कंडीशन में दिख रहा है, जो हम अपने कड़प्पा के लिए वगैरह यूज करते हैं ओटा बनाने के लिए। ये एक प्रकार का रॉक है जो ओरिजिनल फॉर्म में हमने रखा। ये सारे जितने रॉक्स रखे हैं वो सारे ओरिजिनल प्रकार में। ये भी वही है सर, ये स्कॉलर स्कोलाइट साइट है। ये थोड़ा सा रेयर स्पीसीज दिखाई देता है यहाँ पे, मिसोलाइट भी रेयर स्पीसीज है। मैडम कुछ बीज के बारे में जी, यहाँ बीज के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास ये जो कंजर्वेशन जोन है उसमें हमने नेचुरल प्लांटेशन किया गया है, तो वहाँ पे जितने प्लांट्स है उन सबके बीज हमने यहाँ पे स्टोर करके एक सीड बैंक के रूप में इसको फॉर्म किया गया है। ये सारे जितने प्लांट्स देखते हैं वो हमारे कंजर्वेशन जोन में मिलेंगे। मिलेंगे जी। अब वुड का सेक्शन, हाँ वुड आया। चलिए अब वुड क्या कहते हैं, हम जब से कोई बायोलॉजी वाला स्टूडेंट जो रहता है वो कैसे स्टडी करता है, उसके जो लेयर्स कट करके वो पेरी साइकिल की ग्रीन फॉर्म होती है, ये सारी वुड की सेक्शन यही दर्शाता है कि आप लोग वुड की स्टडी कैसे करोगे। जैसे कैमियल लीफ जितने ग्रीन फॉर्म होते हैं उतने उनकी एज पता चलती है, जितने लीफ रहेंगे उतनी हम कंसिडर कर सकते हैं उस वुड की एज क्या होगी। ये सारे वुड्स हैं। और कुछ है मैडम? ये पूरा इंडिया का मैप अलग अलग कलर से वुड्स से निकाला गया है। इसमें अलग अलग जिले में अलग अलग वुड्स से डिनोट किया है। जैसे ये नासिक किया है, राजस्थान को, फिर महाराष्ट्र से डिनोट किया गया है। ये अलग अलग प्रकार के वुड अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है। ये म्यूजियम में अभी एक और है यहाँ पे, ये ओरिजिनल ओरिजिनल ये नाम पहले देखा होगा, स्टेट को और फिर टर्न करके उधर आइएगा सामने। स्पेसिमन रखा हुआ है और ओरिजिनल प्लांट यहाँ पे रखा है। जो दूसरा है ये डिफेंसिव डिस्प्लेट ओरिया है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके वो अपना फूड तैयार करते हैं।
बहुत सारे यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है, तो मैडम से मिल करके बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से मैडम ने बताए हैं। तो आप लोग भी आए और म्यूजियम में जरूर, ये जो गार्डन अभी नया उद्घाटन हुआ है तो दोस्तों इस गार्डन में जरूर आया कि जो, तो अभी मैं 3 घंटा से मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं अभी तक पूरा मैं घूम नहीं सका हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू स्टूडियो में, आज तक इतना ही। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया मैडम का हमारे साथ वीडियो में आने के लिए, पूरा तरीके से पूरा स्टेप बाई स्टेप बताने के लिए। और दोस्तों इस गार्डन के अंदर देख सकते हैं किस तरह से टॉयलेट भी है अपना, बहुत ही फैसिलिटीज से। तो फाइनली दोस्तों पूरे गार्डन में हम लोगों ने अभी तो घूम लिया हूँ। दोस्तों बहुत बड़ा गार्डन है, घूमते घूमते लगभग 2 घंटा लगा हम लोग को, घूमने में 2 घंटा लगा फिर भी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लिया हूँ सब तरह से पूरा। अगर अच्छे से घूमूंगा तो 2 दिन लग जाएगा ब्लॉगिंग करने में। हमारे साथ कैमरा मैन भी बैठे हुए हैं और प्लस रोजा हूँ, रोजा रख करके पूरा चला नहीं जा रहा है, फिर भी कवर किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग भी आइए। अभी नया उद्घाटन हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी बोटनिकल गार्डन विसापुर चंद्रपुर, आप लोग आ जाइए, आप लोग भी आकर के देखिए। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही।